Hi everybody, welcome to this Sunday evening and this special class. पिछले कुछ दिनों से हम लोग सीरीज के लेक्चर्स की बात कर रहे हैं. सीरीज का नाम है इंजरीज एंड वी हैव बीन थ्रू द मैकेनिकल इंजरीज, द रीजनल इंजरीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजरीज एंड थर्मल इंजरीज. ओके, कल हमने बात करी थी शाम को थर्मल इंजरीज की और आज हम शुरू कर रहे हैं इंजरीज में अपना नया स्टेप एंड दैट इज वी गोइंग टू टॉक अबाउट फोरेंसिक बैलिस्टिक्स. यस, जिसमें हम बात करेंगे फायर आर्म्स की एंड फायर आर्म वूंड की एंड यू नो फोरेंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फायर आर्म की. ठीक है, मजेदार है ना ये. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट इंजरीज, इंजरीज यू कैन से इज द गोल्डन सब्जेक्ट और गोल्डन टॉपिक विद इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन. ओके, एंड व्हेन वी से एनी फोरेंसिक मेडिसिन पेपर, बी इट अ नॉर्मल फोरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्टिव पेपर इन प्रॉफ एग्जामिनेशंस और एनी काइंड ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशंस और एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट पीजी, इंजरीज से एक या दो क्वेश्चन तो होने बहुत ज़रूरी हैं. Because injury is the most important part of the subject. Okay, so just to make it clear in your head, when we talk about injuries, या जिस context में मैं आपसे injuries की बात कर रहा हूँ, we are talking about mechanical injuries, we are talking about regional injuries, we are talking about things related to road traffic accident, we are talking about punishments related to injuries, we are talking about autopsy procedures जो injury के लिए special होंगे, we are talking about thermal injuries, we are talking about firearms. ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ पिछले कुछ दिनों में हमने करने की कोशिश करी है और आज हम उसमें अपने सातवें लेक्चर पे पहुँच गए हैं. Where we'll be beginning today with our firearm injuries. Okay, so आज की firearm injuries में हमारा जो topic है that is make of guns and their bullets. Okay, so when we talk about firearms, किस तरीके की guns और किस तरीके की bullets इस्तेमाल होती हैं. Okay, just to give you an idea कि who am I, my job is to introduce to every single listener of this video. My job is to introduce myself. Okay, so my name is Dr. Sumit Talewar. I'm MD in Forensic Medicine और an academy के इस platform पे जो कि एक free YouTube channel है. I am there with you for approximately past 2 weeks and we are discussing various topics of in forensic medicine. Our aim is cracking NEET PG 2021. Okay, I've had a fair share of experience in my life in coaching, mentoring and tutoring aspirants of MDMS examinations and takriban 15-16 saal mujhe ho chuke hain aur maine apni is journey ko ab tak thoroughly enjoy kiya hai aur main ye wali journey aapke sath bhi thoroughly enjoy kar raha hu. And I hope whatever I have to offer that would somehow impact positively in your life. ठीक है जी, आज का लेक्चर को लेकर के अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे. उसके लिए कुछ नहीं है, बस आपको अपने फ़ोन पे, जिस तरह से आप अपने फ़ोन पे बहुत सारे ऐप डाउनलोड्स करते हो वैसे ही आपको टेलीग्राम का ये ऐप डाउनलोड करना है. वंस यू हैव डाउनलोडेड दैट ऐप, जस्ट क्लिक दिस लिंक इन योर गूगल सर्च, दैट इज livedaily.me/neetpg. वो ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम के ऐप पे ले आएगा एंड देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज देयर एंड यू कैन डायरेक्ट योर क्वेरीज टुवर्ड्स मी एंड आई शैल बी वेरी वेरी हम्बल्ड टू आंसर वॉट एवर योर क्वेरीज आर. मुझे बड़ी खुशी भी होगी इफ यू पुट अप एनी क्वेरीज. ओके, नाउ दिस इंटरफेस बिटवीन
you and me is provided by one of the leading brand and leading source of education on web platform in India right now. और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आप में से कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट के फैन भी होंगे, ओके. एंड हाल ही में अगर आपने ध्यान दिया हो कि अन अकेडमी हैज़ बीन टेकन अप एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर IPL लीग फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ओके, एज अ पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर, स्पॉन्सर और पार्टनर, ओके. सो इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट. अन अकेडमी जो है ड्यूरिंग दी व्यूअरशिप ऑफ IPL टीवी पे एज एन ऑफिशियल पार्टनर दिखने वाला है, ओके. तो वो तो IPL का लोगो दिखेगा, वो IPL का ब्रांड दिखेगा. आपको क्या मिलता है अगर आप अन अकेडमी के पोर्टल पे आते हो, अगर आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आते हो? यू गेट लाइव क्लासेस विद योर टीचर्स, यू गेट इंटरैक्टिव क्लासेस विद योर एजुकेटर, यू गेट टू डू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बड़े ही प्रिसाइसली बनाई हुई टेस्ट सीरीज बाय वेरियस एजुकेटर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो दैट अपने एग्जामिनेशन के MCQs बार बार प्रैक्टिस कर पाओ. आपको मिलते हैं लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स ताकि आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली असेस करते रहो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं. और उसके बाद अगर आपको लगता है दैट यू हैव सम डाउट्स दैट यू नीड टू क्लियर, यू गेट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस विद योर एजुकेटर. ये इजी नहीं है, इट्स अ बंडल दैट यू गेट अंडर वन टैब एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव स्पेशल क्लासेस. सो व्हेन यू गो ऑन दी अनअकैडमी ऐप प्लेटफॉर्म, देर इज अ टैब देयर अंडर द नीट पीजी हेडिंग कॉल्ड एज स्पेशल क्लासेस. गो एंड वॉच स्पेशल क्लासेस. दीज क्लासेस आर डिजाइंड टू फॉर यू टू हैव परव्यू और प्रीव्यू कि नीट अकेडमी, नीट पीजी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपके लिए कैसा होने वाला है. सो अगर आपको नीट पीजी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, कम ऑन एंड वॉच दी स्पेशल क्लासेस. ठीक है, स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्यूटली फ्री एंड वंस आफ्टर वॉचिंग स्पेशल क्लासेस विच आई एम श्योर दैट विल बी एबल टू यू नो इम्पैक्ट यू इनफ कि आपको नीट पीजी का सब्सक्रिप्शन लेना है. आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन चुनना है? आपको चुनना है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स विच आर देयर ऑन ऑफर ऑन हैवी डिस्काउंट्स. 24 मंथ्स में आपको डिस्काउंट मिलता है 75%, 12 मंथ्स में आपको मिलता है 58%. एंड जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, प्लीज डू यूज माई रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर सुमित लाइव. द मोमेंट यू यूज इट, आपको सब्सक्रिप्शन पे 10% फर्दर डिस्काउंट मिलता है. ओके, फटाफट जाइए, फटाफट स्पेशल क्लासेस देखिए. नहीं देखना चाहते हो, वेरी गुड, सीधे सब्सक्रिप्शन ले लो. ओके, फिर भी आप में से कुछ लोग चाहते हो कि हम स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, गो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड डाउनलोड दी सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑन योर फोन एंड कम टू अस इन नीट पीजी प्लस, जहां पर लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ में हम लोग अपनी प्रिपरेशन आपके साथ पूरे समय करते रहेंगे टिल दी वेरी लास्ट डे व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नीट पीजी 2021. ओके, विद दैट हम लोग अब चालू करने वाले हैं अपनी आज की क्लास इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, मेक ऑफ गन्स एंड देयर बुलेट्स. ओके, सो इससे पहले कि मैं अपनी आज की टीचिंग स्टार्ट करूं, आई वॉन्ट यू टू लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई एंड सी दीज क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर वैलिड क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी से फायर आर्म्स और वी से बुलेट्स और वी से गन्स और वी से एक्सप्लोजन्स, ठीक है, देर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यू मे हैव अ क्वेश्चन, वॉट डज अ डॉक्टर हैव टू डू
with the design of the gun, with the make of the gun, with the kind of bullets that are to be seen. Yes, of course, if there is a person who happens to have a gunshot wound and an autopsy needs to be done, a doctor who is an autopsy doer comes into the front. ठीक है, बट हमें उनके डिजाइन, उनके मैन्युफैक्चर से, उनकी क्या कहेंगे उसकी, उनके मैकेनिक से हमें क्या करना है? तो मैं आपको एक जवाब देता हूं, और वो ये है कि अनलेस एंड अंटिल यू नो एनाटमी, यू विल नॉट बी एबल टू डू और परफॉर्म सर्जरी. आपको सर्जरी करने के लिए एनाटमी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए टू अंडरस्टैंड द गन शॉट वूंड्स, टू अंडरस्टैंड दी प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ फायर आर्म्स, दी एक्सप्लोजन्स, किस तरीके की इंजरी होती हैं, हमारे को ना उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. वेपन्स कितने तरीके के होते हैं, एंड वॉट वी विल एंड अप सींग इज डिफरेंट वेपन में एंड अप कॉजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट इंजरीज ऑन दी बॉडी. ओके, नाउ ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट जो मैंने अभी आपसे कहा, नाउ रीड द क्वेश्चंस विच आर ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर वन, द कैलिबर ऑफ अ राइफल्ड वेपन इज, ये राइफल्ड वेपन का कैलिबर क्या चीज होता है? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि राइफल्ड वेपन क्या चीज होती है. ठीक है, देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज पैराडॉक्स गन. ओके, देन अनदर क्वेश्चन इज मिनिमम डिस्पर्शन ऑफ बुलेट इज सीन इन विच टाइप ऑफ शॉटगन. ये मिनिमम डिस्पर्शन, मैक्सिमम डिस्पर्शन होता क्या है? ठीक है, देन मैक्सिमम डैमेज इज कॉज बाय विच बुलेट, राइफल्ड और स्मूथ बोर. सो आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज अ राइफल्ड वेपन. नाउ वी आर ऑल्सो टॉकिंग समथिंग अबाउट स्मूथ बोर. ओके, एंड वन मोर इज वैड्स इन साइड ऑफ स्मूथ बोर कार्ट्रिज कैन कॉज वॉट काइंड ऑफ इंजरी. ओके, सो बेसिकली अगर आप इन क्वेश्चन की सीक्वेंसेस देखोगे, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन जो मैंने आज अपने स्लाइड में इंक्लूड करे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बेसिकली हमारे को इंसाइट देते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है. दीज क्वेश्चन हैव बीन इंक्लूडेड बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव बीन आस्ड एज एन एमसीक्यू हिस्टोरिकली इन वराइटी ऑफ एग्जाम्स. ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन अबाउट पैराडॉक्स गन, एनीथिंग अबाउट डिस्पर्शन ऑफ पैलेट्स, एनीथिंग अबाउट वैड्स इन साइड दी कार्ट्रेजेज और कैलिबर ऑफ वेपन, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम्स के एमसीक्यूज में पहले आ चुके हैं, एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो थिंग्स अबाउट देम. सो लेट स्टार्ट टू नो थिंग्स अबाउट देम वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड टूडे इज मेक ऑफ गन्स. सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मेक ऑफ फायर आर्म वेपन्स, फॉलो द फर्स्ट लाइन विच इज द हेडिंग दैट फायर आर्म वेपन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली फायर आर्म वेपन्स दो तरीके के होते हैं. ओके, ये दो तरीके के कौन से वेपन्स हैं? वन आर राइफल्ड वेपन्स एंड टू वी हैव स्मूथ बोर फायर आर्म्स. ओके, राइफल्ड वेपन्स, स्मूथ बोर फायर आर्म्स, ये क्या चीज होती है? राइफल्ड वेपन्स एंड स्मूथ बोर फायर आर्म, हैव अ लुक एट फोटोग्राफ नंबर वन. ठीक है, व्हाट यू कैन सी इन दीज फोटोग्राफ्स इज आर दीज लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटालिक स्ट्रक्चर. ओके, दीज आर कॉल्ड एज बैरल ऑफ ए गन. These are barrels of a gun. And can you see that the two barrels which have been highlighted, they have some difference between them. If you will see,
barrel A, the inside of this barrel, this portion is smooth. It's clear. It's a clear, smooth, hollow, cylindrical barrel. On the other hand, the inside of this barrel, which is weapon number B, we can see some lines being drawn. Can you see that they have metallic lines here? I'm highlighting the metallic lines. Okay. And if you see a cut section of barrel B, so if I cut the barrel B like this, a cut section of barrel B is here. And same metallic lines can be seen on the cut section. And these lines are inside the barrel in a twisted fashion. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to draw the same phenomena for you. So हमने जो पिछली स्लाइड में देखा वो कुछ ऐसा था. वी हैड अ बैरल एंड आई सेड दैट दिस इज अ बैरल ऑफ अ फायर आर्म. सो लेट्स कंप्लीट द पिक्चर टू मेक इट लुक लाइक अ फायर आर्म. सो वी सॉ अ बैरल ऑफ अ फायर आर्म एंड देन वी सॉ अनादर बैरल ऑफ अ फायर आर्म. Okay, what we saw in one of the barrels, that inside the lumen of the barrel there were presence of twisted metallic lines. Okay, so this is the barrel and there are twisted metallic lines inside the lumen of one of the barrels. The process of making these twisted metallic lines inside the barrel of certain weapons is called as rifling. Okay, the process is called as rifling, and those firearms which have rifling in their barrel are called as rifled firearms. So what are rifled firearms? These are those firearms which have rifling in their barrel. And what about those firearms which does not have rifling in their barrel? हमने पिछली स्लाइड में देखा था in picture number A, एक बैरल ऐसा था जो बिल्कुल स्मूथ था. These are called as smooth bore firearms. So we have smooth bore firearms, we have rifled firearms, two basic category of firearm weapons. What are rifled firearms? Those firearms which have rifling in their barrel. So barrel is the most important part of the weapon for the understanding of the forensic phenomena. Now this barrel tends to have two ends. The front end of the barrel is called as muzzle end, and the rear end of the barrel, which is here, is called as the breech end. So we have two portions of the barrel. The rear portion is called as the breech, the front portion is called as the muzzle. The bullet, which is the ammunition of a firearm, when it comes out of the gun, it comes out of the muzzle end. So the bullet comes
out of muzzle end, and then bullet goes out into the exterior. Now if you will do a cut section of both the barrels, for example, if I cut the rifled firearm barrel here and smoothbore firearm barrel here, what kind of a ring am I going to see? If I cut the rifled firearm, it will look like this plus this. Why? Because these are the metallic rifling inside the barrel, which we are going to see when we cut it. Okay. And when we cut a smoothbore firearm, the cut section is going to look like this, clean ring. So when we have cut the section of rifled firearm and we see rifling in it, these are called as lands, and in between lands the space is called as groove. Okay, so अभी हमको कितना याद रखना है, that there is something called as land and groove, जो कि rifled firearm में होते हैं, और smooth bore firearm का cut section smooth होता है, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज बड़ी important है कि जब weapon को आप smooth bore रख सकते हो, तो उसमें rifling बनाने की जरूरत क्या है? Okay, the idea of drawing metallic rifling in the barrel of the firearm is that when the bullet comes out of the barrel, the bullet gains a rotatory motion on its axis. ठीक है ना? तो जब देखिए bullet इस barrel से बाहर आएगी, जो कि स्मूथ जो कि राइफल्ड फायरआर्म है, विद लॉट ऑफ स्पीड बुलेट विल हैव टू ट्रैवल थ्रू द लेंथ ऑफ द बैरल. दस बिकॉज ऑफ द मेटालिक ट्विस्टेड लाइंस इन द बैरल ऑफ द राइफल्ड फायरआर्म्स, द बुलेट विल गेट अ रोटेटरी मोशन. सो व्हेन द बुलेट विल कम आउट ऑफ द मजल एंड ऑफ द राइफल्ड फायरआर्म, द बुलेट विल बी स्पिनिंग. On its axis, okay. Whereas when the bullet comes out from the muzzle end of the smoothbore firearm, the bullet have no spinning motion. So what difference does it make whether the bullet is spinning or not? You know, the spinning of the bullet makes the bullet more accurate and it improves the penetration power of the bullet. अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हो. मान लीजिए आपके हाथ में एक आइस पिकर है, ठीक है ना, वो सुआ होता है ना जिससे हम आइस जो है उसको तोड़ते हैं, और एनी अदर यू नो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक अ बिग नीडल, ठीक है, और उसको आपको अगर एक कार्डबोर्ड मटेरियल में से पियर्स करना है, तो अगर आप सीधा डालोगे ना, इट टेक्स मोर एनर्जी फ्रॉम योर हैंड, बट इफ यू रोटेट इट लाइक दिस, इफ यू स्पिन इट, यू विल बी एबल टू पियर्स द कार्डबोर्ड मटेरियल इवन विद दैट पॉइंटेड weapon easily. So what importance does the bullet spinning provide? That it improves target
एक्यूरेसी, एंड इट इम्प्रूव्स पेनिट्रेशन पावर ऑफ दी बुलेट। ठीक है जी, तो ये दो चीजें तो उस बुलेट में होंगी जो बुलेट राइफल्ड फायर आर्म से बाहर निकला है। ओके, पर क्या स्मूथ बोर फायर आर्म से जो बुलेट बाहर निकली है उसमें ये क्वालिटी भी होगी? उसमें स्पिनिंग क्वालिटी नहीं होगी। तो क्या स्मूथ बोर फायर आर्म की बुलेट कम डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी एज कंपेयर टू अ राइफल्ड फायर आर्म? वो अभी हम देखते हैं व्हेन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बट बिफोर वी गो देयर, लेट्स मूव बैक टू आर फर्स्ट स्लाइड वेयर यू शुड सी द पिक्चर दैट इज प्रेजेंट हेयर। ऑन टॉप इज द राइफल्ड फायर आर्म एंड सी व्हेन द बुलेट कम्स आउट ऑफ द राइफल्ड फायर आर्म, दिस बुलेट हैज स्पिनिंग मोशन एंड व्हेन द बुलेट कम्स आउट फ्रॉम स्मूथ बोर फायर आर्म्स इट डज नॉट हैव स्पिनिंग मोशन एंड बिकॉज इट डज नॉट हैव स्पिनिंग मोशन इट इज मूविंग ऑन इट्स एक्सिस विदाउट रोटेटिंग, इट मे स्टार्ट टू वॉबल समवेयर। सो दिस मे हैव वॉबलिंग। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन, अपनी प्रोजेक्टाइल टेरिटरी में वॉबल करेगा, द चांसेस ऑफ इट हिटिंग एक्यूरेटली ऑन द टारगेट आर लेसर एज कंपेयर्ड टू अ बुलेट विच इज काइंड ऑफ गोइंग स्ट्रेट नॉट वॉबलिंग। ओके, द चांसेस ऑफ हिटिंग द टारगेट आर हायर एंड दैट इज वाई वी से दैट प्रोवाइडिंग द स्पिनिंग मोशन बाय क्रिएटिंग राइफलिंग इन द बैरल ऑफ सर्टन गन्स मेक द टारगेट बींग हिट मोर एक्यूरेटली। ठीक है, दैट इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू वेन आई वॉज ड्रॉइंग दोज डायग्राम्स। ओके, आगे चलते हैं, आगे चल के ये देखते हैं दैट ये तो हुई फायर आर्म्स की बात, सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फायर आर्म्स एंड वाई दे आर मेड सो। हाउ अबाउट वॉट आर दी एमिनेशंस यूज इन दैम? क्योंकि फायर आर्म्स में हमें बुलेट्स चलाने के लिए तो चाहिए, अदरवाइज फायर आर्म्स आर एज गुड एज ब्लंट वेपन्स, वी डोंट हैव एनीथिंग टू शूट फ्रॉम दैम, वी कांट यूज दैम। ओके, सो हमारे को जो एमिनेशन चाहिए होती है फायर आर्म्स में चलाने के लिए, दोज आर कॉल्ड एज कार्ट्रिजेस। ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन पिक्चर नंबर वन वॉट यू सी आर राइफल्ड कार्ट्रेजेस और यू कैन से राइफल्ड बुलेट एंड हेयर इन पिक्चर नंबर टू वॉट यू सी आर द एमिनेशन विच इज यूज इन स्मूथ बोर फायर आर्म्स, सो दे आर कॉल्ड एज स्मूथ बोर कार्ट्रेजेस। ओके, सो आपको विजुअली भी इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा एंड लेट मी टेल यू कि इसमें विजुअल डिफरेंस में बेसिक डिमार्केशन क्या है। यू कैन सी दैट दीज आर अप मेड अप ऑफ मेटल एंड जनरली इट इज कॉपर। ओके, एंड एंड द टॉप हाफ ऑफ द मेटल हेयर यू कैन सी बुलेट, सॉरी यू कैन सी बुलेट। ओके, सो इन राइफल्ड फायर आर्म्स द कार्ट्रिज इज मेड अप ऑफ मेटालिक प्रोडक्ट विच टेंड्स टू हैव अ सिंगल सॉलिड बुलेट ऑन द टॉप हाफ।
सो इसका मैं एक आपको लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन का डायग्राम बना करके दिखाता हूं ताकि हम इसको और थोड़ा बेटर समझ पाए. इट्स लाइक दिस. सो वी हैव ए कॉपर सिलेंडर और अ मेटालिक सिलेंडर एंड इन द टॉप हाफ वी हैव अ बुलेट. The bullet is made up of lead. The cylinder is made up of copper. So, what is inside of the cylinder? The inside chamber of the cylinder is filled with gunpowder. Okay, hold on. So inside of the cylinder is filled with gun powder. Okay, because we require some ammunition to burn to propel the bullet out of the cartridge. And the bottom of this bullet or cartridge contains a small chamber which contains primer mixture. Okay, primer mixture has a very very low threshold for ignition. So how does this concept of making this cartridge works? It's that when the pin of the gun strikes the base, so जो फायरआर्म था ना उसमें जब हम बुलेट डालते हैं एंड हम उसका ट्रिगर दबाते हैं क्योंकि गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबानी पड़ेगी ना, तो जो फायरआर्म का जो पीछे देखते हैं एक हैमर होता है वो ऐसे जा करके जब हम बंदूक चलाते हैं तो ऐसे करके टक से लगता है, तो वो बुलेट के बेस पे जाकर के एक पिन मारता है बिकॉज ऑफ विच द प्राइमर मिक्सचर इग्नाइट्स. एंड व्हेन द प्राइमर मिक्सचर इग्नाइट्स इन द द चेम्बर हेयर जो कि बेस में एक छोटा सा चेम्बर है जिसमें प्राइमर मिक्सचर है, यहां से बनती है फ्लेम्स. एंड इफ यू कैन सी दिस चेम्बर ओपन्स अप इनटू द सेंट्रल कैविटी व्हिच इज फिल्ड विद गन पाउडर. यहां पर एक छोटा सा विंडो ओपनिंग है एंड द फ्लेम्स विच आर दस फॉर्म्ड कम्स इनटू द सेंट्रल कैविटी. ओके, एंड व्हेन दीज फ्लेम्स कम्स इनटू द सेंट्रल कैविटी द गन पाउडर बर्न्स. एंड व्हेन द गन पाउडर बर्न्स द बर्निंग ऑफ गन पाउडर प्रोवाइड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसाइल गैसेस इन द चेंबर ऑफ द कार्ट्रिज एंड द प्रेशर ऑफ दिस गैस पुशेस द बुलेट आउट एंड दिस बुलेट नाउ कम्स इन टू द बैरल ऑफ द फायर आर्म वेपन एंड द बैरल इज राइफल्ड. सो द बुलेट गेन्स द रोटेटरी मोशन एंड गोज आउट इन टू द एटमोसफेयर और नॉट एटमोसफेयर इन टू द एनवायरमेंट टूवर्ड्स द टारगेट. सो वॉट हैपन्स टू दी कार्ट्रिज, जो बाकी का शेल बच गया है उसका क्या होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द गन. अगर तो वो नए वेपन की तरीके का डिजाइन है तो उसमें जो फायरआर्म है उसमें एक एग्जिट चेम्बर होता है, वहां से शेल जो है वो बाहर जमीन पे गिर जाता है. और अगर वो पुराने जमाने का डिजाइन है, जैसे कि आपने पिक्चरों में पुराना रिवॉल्वर देखा था ना, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे एक रिवॉल्वर होती थी उसमें 6 चेंबर होते थे, 6 बुलेट्स उसमें डालो और मारो, तो वो रिवॉल्व होती थी एंड वंस यू हैव शॉट थ्रू ऑल 6 ऑफ देम यू नीड टू टेक दी रिमेनिंग शेल्स आउट एंड फिल द शेल्स विद न्यू 6 बुलेट एंड देन स्टार्ट शूटिंग अगेन. तो पुराना डिजाइन है जहां पर शेल बाहर नहीं निकलता, तो आपको वो शेल मैनुअली बाहर निकालना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिजाइन, अ वेरी वेरी बेसिक डिजाइन ऑफ द फायरआर्म कार्ट्रिज.
And right now we have talked about a rifled cartridge. How about a smooth bore cartridge? तो उसका भी डिजाइन देखते हैं. एज यू कैन सी उसकी फोटोग्राफ आपके पास ऑलरेडी है इन फोटोग्राफ नंबर टू हेयर. डिजाइन वाइज इवन दी स्मूथ बोर कार्ट्रिजेस आर सेम. दे कंटेन बेसिकली अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस. द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस इज नॉट मेड अप ऑफ कॉपर मटीरियल. एज यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. और कार्डबोर्ड. सो दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कार्डबोर्ड मटीरियल. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज दैट द टॉप हाफ ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर डज नॉट कंटेन अ सॉलिड लेड सिंगल बुलेट. इट रादर कंटेन्स लॉट ऑफ लेड पैलेट्स. ओके, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था राइफल्ड बुलेट में तो एक सिंगल लेड की बुलेट थी, ये रही सिंगल लेड बुलेट. बट यहां पर क्या होते हैं? लेड पैलेट्स होते हैं, छर्रे होते हैं. ओके, रेस्ट ऑफ द डिजाइन रिमेन्स द सेम. The central cavity has gunpowder. The base has a small chamber in which we have primer mixture, and when the pin of the gun strikes here, the ignition happens, which causes the flame to move into the central cavity. Gunpowder ignites. That produces expansile gases which pushes the pellet out. तो यहां पर pellets निकलेंगे, यहां एक single bullet नहीं निकलेगी. So pellets will come out. Now when these pellets come out together, okay, watch my hand. So my right hand is pellets coming out together as they leave the barrel of the smooth bore firearm. क्योंकि स्मूथ बोर कार्ट्रिज स्मूथ बोर फायरआर्म से चलाया जाता है. सो इनिशियली दे आर ग्रुप टुगेदर, बट एज द डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दीज पैलेट्स ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू स्प्रेड. ओके, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल बॉल्स एंड व्हेन दे इवेंचुअली मीट द टारगेट सम अमाउंट ऑफ स्प्रेड हैज हैपन्ड इन द कलेक्शन ऑफ पैलेट्स. This is called as dispersion of pellets. यानी कि pellets जो barrel से तो एक साथ निकले थे एक single ball की तरह, जैसे जैसे वो distance बढ़ता गया, because these were all individual balls, they kept on spreading together from away from each other. So they kept on dispersing, and if the distance is too long, the dispersion will be very very high. If the distance is near, the dispersion will be less. This is called as dispersion of pellets. Okay. One more thing that we need to know about the design of smoothbore weapon is that to seal off a single chamber from the chamber of the pellet here. So gunpowder ke chamber se पैलेट का चेंबर सील ऑफ करने के लिए इट टेंड्स टू हैव अ बकेट काइंड ऑफ यू नो सेपरेट चेंबर मेड अप फॉर पैलेट्स, इस तरीके का जिसके अंदर पैलेट्स रखे जाते हैं. एंड देन बियॉन्ड दिस बकेट इन द सेंट्रल कैविटी इज द गन पाउडर. दिस इज कॉल्ड एज वैड. दिस इज जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टिक. So when the gunshot will be made, this wad will also be pushed out into the exterior,
and this VAD will also travel towards the target. But this VAD does not have that much velocity and it does not have that much momentum that it will end up traveling to the target if the target is very distant. The pellets may travel. Okay. So, wo bhi dekhenge, if the VAD do reach the person, then what happens? So, agar to target bahut dur nahi hai aur ye jo plastic ka VAD hai na, VAD is made up of plastic material. अगर ये वैड भी टारगेट तक पहुंच जाता है तो प्लास्टिक अगर आपको जोर से लगेगा तो क्या होगा? इट मे एंड अप गिविंग यू अ ब्रूज ऑन द बॉडी. अगर बहुत ही जोर से आया है प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक कैन यू नो पियर्स द स्किन एंड क्रिएट अ लैसरेशन, बट इट डज नॉट हैव दैट ग्रेट अ मोमेंटम दैट इट विल एक्चुअली एंटर द बॉडी एंड कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस. So depending upon how much is the distance from the shooting to the target, if the target is near and a smoothbore weapon is used, even the plastic VADs may end up providing some exterior injury to the victim or to the target, but they would not never cause very significant damage. Whatever significant damage is caused by the smoothbore weapon is by their pellets. ठीक है, so आपको दोनों का basic design समझाना was my intention in this talk. Now if you have got a hold of the basic design, you don't need to go into the details of the design too much. You need just need to understand the basic mechanics of the design. So if you have got hold of the basic mechanics and the design of the firearm, then one question suddenly pops up, is that which of the two bullets will cause more damage to the target or to the victim if it is being shot. Usko bhi dekhte hain. So let's consider if the target is near, then what happens? And if the target is far, then what happens? So if the target is near, then smooth bore weapon will cause more damage. Why? Because by manufacturing smooth bore cartridge or smooth bore bullets, they have more firepower, they are bigger. Conventionally they are bigger. So if you are hitting a target which is not too far, which is very near, say few feet from you only, all the pellets that come out from the smooth bore weapon, they will not have environmental space to spread before they hit the target. So all grouped together will hit the target, and by their manufacturing they have more firepower, so they will produce more damage as compared to a rifled weapon because the target is near. But if the target is far, rifled bullet produces more damage. And why is that? Because if the target is far, when you shoot with the smoothbore weapon, the pellets will start to disperse off. Dispersion is phailna. Pellets jo hain wo target tak jaate jaate phailna chalu kar denge.
बिकॉज टारगेट दूर है और कुछ सेंट्रल पैलेट्स ही टारगेट को हिट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पैलेट्स विल जस्ट बाईपास द टारगेट, दे विल नॉट हिट द टारगेट बिकॉज दे हैव डिस्पर्स्ड ऑफ। पर राइफल्ड बुलेट में हमें क्या मिलेगा? राइफल्ड बुलेट में हमें मिलेगा अ सिंगल बुलेट विच हैज बीन शॉट, विच इज मूविंग ऑन थ्रू इट्स एक्सिस एंड हिटिंग द टारगेट। सो एट अ डिस्टेंट रेंज राइफल्ड बुलेट ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। सो कौन सी बुलेट में कितना फायर पावर है वो डिपेंड करता है कि टारगेट पास है या दूर है। ओके, आई होप यू गॉट दैट। नाउ लेट्स मूव टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी ऑल्सो, समथिंग कॉल्ड एज अ कैलिबर ऑफ अ फायर आर्म। वॉट इज अ कैलिबर ऑफ अ फायर आर्म? कैलिबर ऑफ अ फायर आर्म इज मैक्सिमम परमिसिबल डायामीटर इन दी बैरल ऑफ अ फायर आर्म। यानी कि अगर हम कहें कि एक फायर आर्म का बैरल है, लेट से आई एम होल्डिंग दिस होल विद माई फिंगर, सो ये उसका बैरल का डायमीटर है। इफ आई इंक्रीज दिस होल द डायमीटर बिकम्स बिगर। सो वॉट इज द कैलिबर ऑफ फायर आर्म? इज द मैक्सिमम परमिसेबल डायमीटर, नॉट द डायमीटर इटसेल्फ। सो लेट्स गो बैक टू आवर ड्रॉइंग्स दैट वी डिड इन वन ऑफ द स्लाइड्स टू कंपेयर द टू कट सेक्शंस दैट वी सॉ। सो व्हाट डिड वी सी इन द टू कट सेक्शंस? दैट इन द राइफल्ड फायर आर्म, इन द कट सेक्शन ऑफ इट्स बैरल, द मैक्सिमम परमिसेबल डायमीटर वुड बी दी डिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स। क्योंकि अगर इससे बड़ी कोई चीज हम इस बैरल में डालना चाहेंगे तो जाएगी ही नहीं वो। सो इट हैज टू बी लेसर देन दी डायगनल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट लैंड्स। ओके, ऑल दो इसका जो मैक्सिमम डायामीटर है वो ये है एक्सटीरियर का, ठीक है, पर इतनी मोटी चीज जा नहीं सकती इसके बैरल में बिकॉज लैंड्स हैं बीच में। सो व्हाट इज द कैलिबर ऑफ ए राइफल्ड फायर आर्म? द कैलिबर ऑफ अ राइफल्ड फायर आर्म इज द डायगनल डिस्टेंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स, ठीक है। एंड अगर हम इसमें देखें स्मूथबोर फायर आर्म में, तो यहां पर तो कोई लैंड है ही नहीं, तो इसमें मैक्सिमम परमिसेबल डायमीटर जो है वो क्या है? दैट इज द डायमीटर ऑफ द बैरल इटसेल्फ। बट द कैलिबर ऑफ अ स्मूथ बोर फायर आर्म इस तरीके से दिया नहीं जाता। तो हमने क्या देखा? राइफल्ड फायर आर्म का कैलिबर कैसे बताते हैं? राइफल्ड फायर आर्म का कैलिबर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स, ठीक है। अगर दो डायगनली ऑपोजिट लैंड्स के बीच में डिस्टेंस है 0.9 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो इतनी डायमीटर की बुलेट्स ही इनमें से जा पाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन किसका कितना है, ठीक है। स्मूथ बोर फायर आर्म का जो कैलिबर है वो हम कैसे बताते हैं? वी से दैट टेक 1 पाउंड ऑफ लेड, सो यू नीड टू टेक 1 पाउंड ऑफ लेड। 1 पाउंड ऑफ लेड इज 454 ग्राम्स ऑफ लेड। मेक लेड बॉल्स ऑफ इक्वल साइज, सो यू नीड टू टेक 1 पाउंड ऑफ लेड एंड यू नीड टू मेक लेड बॉल्स फ्रॉम दैट 1 पाउंड ऑफ लेड। ईच लेड बॉल शुड बी ऑफ इक्वल साइज एंड वॉट शुड बी द साइज ऑफ ईच लेड बॉल? दैट ईच बॉल शुड बी बिग इनफ
to fit snugly into the barrel of the weapon, and the number of such balls that can be made is the caliber of the weapon. So what we are saying is, we are saying that you have taken 1 pound of lead, okay, and you make lead balls from that constant 1 pound of lead. So if you are going to make lead balls like this, and you end up making, let's say, 6 lead balls, and assume all of them are of equal size, and what is the size that each of the 6 lead balls is going to fit snugly into the barrel of a said smoothbore firearm weapon, then the caliber of this smoothbore firearm is 6. ठीक है, तो अगर smoothbore firearm का diameter बड़ा होगा, वैसे भी देख लेते हैं, तो let's say there is a smoothbore firearm जिसका diameter अब पहले वाले firearm से double हो गया, तो हमने 1 pound lead लिया और उससे हमें balls बनानी है, so that each ball fits exactly into the barrel of the smoothbore firearm, और हमने इसके लिए भी ball बनानी चालू करी, तो इसके लिए बड़ी ball बनेगी, और अगर बड़ी ball बनेगी तो कम बनेंगी नंबर में, क्योंकि लेड तो सेम है, दैट इज 1 pound ऑफ लेड, एंड लेट से इसके लिए हमने बॉल्स बनाई एंड वी एंडेड अप मेकिंग ओनली 3 बॉल्स, उसके बाद 1 pound लेड खत्म हो गया. ठीक है, सो इसका कैलिपर होगा 3. फाइन. सो अगर आप कैलिपर की थ्योरी को ध्यान से देखो, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, व्हेन वी से राइफल्ड firearms उसका कैलिबर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स. तो जितना वो डिस्टेंस टू डायगनली ऑपोजिट लैंड्स के बीच में ज्यादा होगा, उतना ही उसका कैलिबर ज्यादा होगा, और जितना राइफल्ड फायरआर्म के बैरल का डायमीटर ज्यादा होगा, उतना ही लैंड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की उम्मीद है. सो कैलिबर इन राइफल्ड फायरआर्म सीम्स टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द बैरल. जितना बैरल कम होगा उतना ही कैलिबर कम होगा, जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना ही दो ऑपोजिट लैंड्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो कैलिबर राइफल्ड फायरआर्म का ज्यादा होगा. तो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैलिबर. और हमने यहां क्या देखा, स्मूथ बोर फायरआर्म में, इन स्मूथ बोर द कैलिबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर. क्यों? क्योंकि जब डायमीटर कम था यहां पर द कैलिबर वॉज 6, एंड जहां डायमीटर ज्यादा है यहां पर द कैलिबर इज 3. सो स्मूथबोर फायरआर्म में जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है कैलिबर कम हो रहा है, यानी कि कम कैलिबर का हम अगर स्मूथबोर फायरआर्म बोल रहे हैं, इट मींस द डायमीटर ऑफ द बैरल इज बिग. अगर हम कम कैलिबर का स्मूथबोर, ज्यादा कैलिबर का स्मूथबोर फायरआर्म बोल रहे हैं, इट मींस द डायमीटर ऑफ द बैरल इज लेस. सो इफ आई से caliber of 2 smoothbore firearms are 5 and 10, okay, so one smoothbore firearm is having a caliber of 5 and the other smoothbore firearm is having a caliber of 10, okay, please tell me which firearm has a barrel of bigger diameter. The firearm which will have a barrel of bigger diameter is the firearm which has a caliber of 5, not 10. Okay, so this is one important thing that you should remember, how calibers are
directly proportional to diameter of the gun in rifled firearm and inversely proportional to in smoothbore firearms. Okay. Lastly, today we'll talk about two very important makes of the gun. Both are in context of smoothbore firearm, and they are called as the paradox gun and choking of a barrel. Okay, so let's see what are these concepts. One is called as the paradox gun. What is paradox gun? Paradox gun is the last muzzle end of the smoothbore firearm is rifled. So हमने क्या देखा था, in smoothbore firearm the barrel is smooth, it does not have rifling in it. Now इसीलिए तो उसको smoothbore firearm बोलते हैं. Now what if the last terminal portion of its barrel, that is the muzzle end, is slightly rifled? Then it creates a paradox. Why? Because ये rifled firearm की quality होती है कि उसमें rifling होती है. So paradox is that smoothbore firearm having a small amount of rifling at the tip of its barrel, that is around the muzzle end. These are called as paradox guns. Okay, very very common question that has been asked in the examination, that what are paradox guns. The paradox guns are those smoothbore weapons which tends to have some rifling at the end of their barrel. Okay, and then second is choking of the barrel, which is also a very important thing that is associated with smoothbore weapons. And what is that? To understand the choking of the barrel, try and see this phenomena which we have already talked about, called as the dispersion of the pellets. So if you shoot with the a smoothbore weapon, and let's say the target is here, okay, how does the pellets come out? The pellets come out like this. These lines are showing the dispersion of pellets. Okay, so for a given distance they disperse. Okay, now if you want to minimize the dispersion, that you want more and more of the pellets to hit the central target, not disperse off, फैले कम ताकि ज्यादा target के center में लगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक principle होता है, उसको बोलते हैं choking. What is done in choking? कि आप इस bullet, इस gun के barrel का जो muzzle end है उसको थोड़ा narrow कर दो. Choke करने का मतलब क्या होता है? उसको narrow कर देना. So अगर हमने इसके muzzle end को थोड़ा narrow कर दिया, तो अब जो पैलेट्स हैं वो नैरोअर एंड से निकलेंगे, एंड फॉर द सेम डिस्टेंस द डिस्पर्शन विल बी लेस. सो द प्रोसेस ऑफ नैरोइंग द मजल एंड ऑफ द स्मूथबोर फायरआर्म टू मिनिमाइज द डिस्पर्शन ऑफ पैलेट्स फॉर द सेम गिवन रेंज इज कॉल्ड एज चोकिंग. Okay, so what is choking? It is done in the smoothbore firearm to decrease the dispersion of the bullets. In fact, we should have written pellets here for the same given range. Okay, so when you choke the barrel of a smoothbore firearm, they are called by different names. So what are the choke types? As you can see, one is called as the cylinder bore. Cylinder bore is when there is absolutely no choking in the barrel, as you can see here.
the barrel has same diameter here and same diameter here. This is called as a cylinder bore, no choking. Then there is something called as an improved cylinder bore, cylinder choke, which is here. The diameter at the center of the barrel is greater, but at the muzzle end it is slightly less. So there is small amount of choking present, called as an improved cylinder choke. Then there is something which is called as a modified cylinder choke, in which you can see the diameter in the posterior of the barrel is big, but then diameter at the muzzle end is lesser as compared to improved cylinder choke. So agar apne improved cylinder ko bhi thoda aur kam kar diya to wo modified cylinder choke ho gaya. Aur chautha jo hai, jo aapke liye sabse important hai, wo hai full choke. Okay, full choke mein aap kya dekh rahe hain, diameter center of the barrel mein to zyada hai, but मजल एंड पे बहुत कम है. फुल चोक का मतलब आप पूरा बंद नहीं करोगे, पूरा बंद कर दोगे तो पैलेट बाहर कैसे निकलेगी. फुल चोक का मतलब उतना कम कर दिया कि इसके बाद और नहीं हो सकता. ओके, सो डिस्पर्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, आप अगर देखो इसके बाद सिलेंडर बोर में डिस्पर्शन सबसे ज्यादा है. ओके, द डिस्पर्शन ऑफ द पैलेट is maximum in cylinder bore or non-choked. आप उसको cylinder bore भी बोल सकते हो और non-choked barrel भी बोल सकते हो, क्योंकि उसमें कोई choking नहीं है. And dispersion is minimum in full-choked barrel. So non-choked barrel will have maximum dispersion, full-choked barrel will have minimum dispersion, and improved cylinder choke and modified cylinder choke will have in between dispersion. So in dono ke beech mein aayenge improved cylinder and modified cylinder choke. Theek hai? Okay, so these are certain concepts of gun makes and their bullets that we shared today. Tomorrow we'll be talking about range of shots, what comes out of the weapon, what are the different kind of injuries that happen with gunshot wounds, what are the characters of gunshot wound, which are developed onto the body of the victim, which comes out from the barrel of the gun itself. And by understanding those characters, how can we talk about the range of the shot? And of course, we'll talk about certain important bullet names and bullet phenomena. तो बड़ा मजेदार रहेगा कल का क्लास जब हम बात करेंगे. That is one section from firearms जहाँ पर सबसे ज़्यादा question आते हैं. Talking about tattooing, blackening, singeing, burning. Okay? या आपने कभी questions करे होंगे तो आपने पढ़े होंगे ये सब नाम. Gunpowder से क्या होता है? Fire से क्या होता है? Smoke से क्या होता है? We'll talk all of them tomorrow. इन द मीन टाइम अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है बिकॉज यू हैव सर्टन क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम ऐप. द लिंक इज liveDaily.me/neetpg. ओके, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहेंगे इसका मतलब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हो. तो मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ढेरों ढेरों में से क्या बेनिफिट है. You have live classes, you have very very interactive classes with educator. One to one mode नहीं है कि educator ने कुछ बोला आपने सुन लिया और खत्म हो गया. We make sure कि आप interact करो. How? By not only holding live classes but holding live doubt clearing session. So जब आप अपने doubt लेके आते हो तो interactor आपके साथ में, educator आपके साथ में interact करता है. Okay? So you have live classes, you have interactive classes with educator, you have live polls and leaderboards अपने self analysis के लिए, और you have test series for repetitive exam, mock exam training के लिए. और उसके सिवाय जो सबसे important feature है आपके लिए वो है special classes, जो कि
अनअकैडमी के ऐप पे आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। फटाफट से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, स्पेशल क्लासेस फ्री में देखो। ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे हैं जिस क्लास में अनअकैडमी नीट पीजी प्लस का डिलीवरी होता है आपको। और एक बार आप स्पेशल क्लास देखोगे ना तो आप अनअकैडमी नीट पीजी प्लस पे ही आओगे। तो अनअकैडमी नीट पीजी प्लस पे कैसे आना है? ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा जब आप स्पेशल क्लास देख रहे हो तो, ठीक है। आपको करना ही क्या है, आपको मैनेज गोल्स में जाना है, नीट पीजी सिलेक्ट करना है, वहां से आपको प्लस सिलेक्ट करना है। आप नीट पीजी पे जाओगे आपको प्लस सेक्शन दिखेगा। प्लस इज दी सब्सक्राइब्ड फॉर्मेट। इसी नीट पीजी में इन स्पेशल क्लासेस की मैं बात कर रहा था विच आर एब्सोल्युटली फ्री। तो ये स्पेशल क्लासेस देखिए एंड देन प्लस को क्लिक करो। प्लस को क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब के लिए वो पूछेगा, सब्सक्राइब दी प्लस सेक्शन। यू नीड टू पिक अप व्हाट डू यू वांट, पिक अप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, ठीक है। इनके फायदे क्या है बल्क सब्सक्रिप्शन के, कि इस 12 मंथ और 24 मंथ्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलता हैवी डिस्काउंट, और इस प्लेटफॉर्म पे एवरी टीचर जो कि पुराना है, करंट है और आएगा, वो आपसे रूबरू होगा। यू विल नॉट मिस एनी वन कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनी ऑफ द टीचर विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज यू डोंट इवन नो कौन सा टीचर कब इम्पैक्ट करेगा किसी थ्योरी को आपके दिमाग में। एंड देन द सेम थ्योरी विल हेल्प यू इन क्रैकिंग ए एमसीक्यू क्वेश्चन इन योर नीट पीजी एग्जामिनेशन। ओके, तो पिकअप 12 और 24 मंथ्स, वॉट एवर इट वर्क फॉर यू। अगर आप इसी साल एग्जाम देने वाले हैं 12 महीने, अगर आपके पास आपका टारगेट 22 है, 2022, देन 24 महीने। दी पेमेंट्स आर रिटन हेयर एंड दीज पेमेंट्स आर एप्लीकेबल इफ यू यूज माई रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर सुमित लाइव। सो द मोमेंट यू यूज माई रेफरल कोड, वॉट एवर अमाउंट इज पिक्चरिंग फॉर यू ऑन दी सब्सक्रिप्शन, इट विल गिव यू एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो यूज दिस रेफरल कोड, ठीक है। आपने रेफरल कोड यूज करना है DRSUMITLIVE, दैट विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड कम ओवर ऑन टू दी नीट पीजी प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। आज की क्लास हम एंड करते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई होप यू लाइक दिस चैनल। प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। डाउनलोडेबल्स आर अवेलेबल नाउ फॉर यू। रिमेंबर माई नेम इज डॉक्टर सुमित तेलेवार एंड आई विल बी देयर विद यू टूमोरो इवनिंग 7, एंड देन बिफोर दैट 12 नून। ओके, बिफोर दैट 12 नून में हम साथ रहेंगे। कल हम करने वाले हैं एस्फिक्सिया के एमसीक्यू। सो 12 बजे मैं आपकी वेट करूंगा। तब तक याद रखिएगा, आप जब भी मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर यू बाय ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। कल मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।